फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुरादाबाद बरेली लखनऊ रूट के बारे में, जहां पर ट्रेनें आजकल घंटों लेट हो रही हैं, जिसकी वजह से जो अब यात्री हैं वो अपना टिकट कैंसिल करा रहे हैं। 2-3 दिन पहले बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अकेले 250 लोगों ने अपने टिकट कैंसिल कराए, क्योंकि जो आपकी ये देहरादून से हावड़ा के बीच में चलने वाली उपासना एक्सप्रेस है वो 18 घंटे की देरी से चली। वहीं आपकी दिल्ली अयोध्या कैंट एक्सप्रेस भी 4 घंटे की देरी से चली। और इसी तरह से जो कई ट्रेनें हैं आपकी वो लेट पर लेट होती जा रही हैं। सामने त्रिवेणी एक्सप्रेस खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर आप लोगों को भीड़ नज़र आ रही होगी। भीड़ ऐसी है कि त्रिवेणी एक्सप्रेस का जो एकाएक रूट था वो बदल दिया गया। वो ट्रेन वाया बरेली पीलीभीत होते हुए टनकपुर नहीं गई, बल्कि शाहजहाँपुर के बाद सीधे बीसलपुर निगोही पीलीभीत होते हुए टनकपुर गई, जिसका लोगों को अंदाज़ा नहीं था और जानकारी भी नहीं थी। मुझे भी जानकारी नहीं थी। तो बहुत से यात्री इस ट्रेन से उतर गए और आगे की जो यात्रा है बरेली तक वो जननायक एक्सप्रेस से की। जननायक एक्सप्रेस भी रोज़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर राइट टाइम आई थी, लगभग 1 बजे के करीब में शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर आना था, लेकिन रोज़ा जंक्शन से ये ट्रेन 1 बजे चलते चलते और शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 3:40 पर आई। तो इस 6 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में उसको लगभग 2 घंटा 40 मिनट के करीब में लग गए। और ये ट्रेन अब त्रिवेणी एक्सप्रेस बीसलपुर की दिशा में रवाना हो गई। इसके साथ अजीब घटना ये हुई फ्रेंड्स कि बहुत से लोग ऐसे भी थे इस त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे रहे यही सोचकर कि ये ट्रेन बरेली जाएगी, तो ये ट्रेन बरेली नहीं गई और आगे ढकाथाल पर जाकर किसी ने चेन पुलिंग कर दी और लोग उतरने लगे, यानी वो यात्री उतरने लगे जिनको बरेली जाना था। फिर ढकाथाल के पास से जो यात्री थे वो वापस स्टेशन पर आना शुरू हो गए, ये सोच के कि अब चलो जननायक एक्सप्रेस से बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन तक यात्रा करेंगे। तो ये घटना मेरे सामने भी बड़ी अजीब हुई। बकायदा मैंने रिकॉर्डिंग भी की कि लोग किस तरह से वापस आ रहे थे ढकाथाल की तरफ से। और चूंकि जिस समय चेन पुलिंग हुई उस समय मैं वीडियो शूट इस वजह से भी नहीं कर पाया क्योंकि जूम करके उस ट्रेन का वीडियो नहीं आ पाता मोबाइल से, तो यहाँ से हम आप लोगों को जूम करके दिखा रहे हैं। लोग वापस आ रहे हैं ट्रैक से ढकाथाल के पास से। यहाँ पर देखिएगा फिर से एक बार, ये देखिए तो लोग वापसी कर रहे हैं। ख़ास तौर से ये देखिए उतर गए थे ढकाथाल के पास से। तो इन लोग के साथ बड़ी एक अजीब यही घटना हुई कि बरेली जाने की सोच रहे थे लेकिन बीसलपुर की तरफ चले गए, जबकि इनसे बार बार कहा भी गया था कि ये ट्रेन बरेली नहीं जाएगी। लोको पायलट ने भी मना किया था और अनाउंस भी किया जा रहा था, लेकिन रेलवे की केवल गलती यही सबसे बड़ी रही कि इन्होंने पहले नोटिफिकेशन नहीं निकाला, जिससे कि लोगों को जानकारी नहीं हो पाई। हालांकि अब ये ट्रेन 9 मई 2023 तक इसी रूट से जाया करेगी, यानी कि शाहजहाँपुर से बीसलपुर पीलीभीत होते हुए टनकपुर तक। बकायदा मैंने उसकी कटिंग इस वीडियो के अंत में लगा दी है, आप लोग वीडियो को चाहो तो रोक कर पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद जो जननायक एक्सप्रेस थी 1:52, उस ट्रेन का जो टाइम था शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर 1:15 था। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उस ट्रेन का जो टाइम है वो लगभग 3:40 हो गया, तब जाकर जो जननायक एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई। फिर उससे उसी ट्रेन से यानी जननायक एक्सप्रेस से यानी बरेली तक यात्रा लोगों ने की। तो यहाँ पर देखिएगा मैं भी इस ट्रेन में बैठा था, इंतज़ार कर रहा था, तो फाइनली ये ट्रेन 3:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई, जबकि 3 किलोमीटर के आउटर पर यह ट्रेन घंटों खड़ी रही क्योंकि काम चल रहा था। इस वजह से इस ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया गया। और वहीं बात चल रही थी कि जिस समय ये ट्रेन रोज़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आई उसके बाद चाल मालगाड़ियों को आगे निकाला गया बरेली की दिशा में। अगर इसको भी निकाल देते तो कम से कम यात्री परेशान नहीं होते और लोगों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रेलवे का कैसा ये मैनेजमेंट है, कैसा ऑपरेशन है कि ट्रेनों का संचालन सही से नहीं करा पा रहे हैं। ये रही वो कटिंग। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो और जानकारी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।